जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ। स्वागत है कमल श्री आर के में। नमस्ते सभी को। सो आज हमसे एक चीज़ की बहुत दूरी बचाई हुई थी और वो आज फाइनली आ गया। मतलब सोचो कि आजकल के युग में कॉलेजेस क्या अपने बच्चों को बुक्स भेजते हैं, नहीं सारे ऑनलाइन कहते हैं, ऑनलाइन यहाँ से पीरियड ऑन कर लो, यहाँ से ये कर लो। और हमारा कॉलेज है अच्छा, हमें बुक्स आई हैं, दिखाते हैं। ये पार्सल आ जा, ये भर के किताबें आई हैं मुझे। अच्छा लग रहा है, जो कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि बुक्स को देख इतनी खुशी होगी। पर MBA में मैंने कहा ना, MBA इज गोइंग टू चेंज माई लाइफ। बेसिकली वो माई लाइफ नहीं था, बेसिकली जो भी इंसान MBA करता है, ठीक है, एक अच्छे कॉलेज से MBA करने की चाह से, तो वो सच में वो MBA उसकी ज़िंदगी बदल देती है। मतलब वो काफ़ी देर से हमें कह रहे थे कि आएंगी, फाइनली आ गई। मतलब इतनी एक्साइटमेंट मुझे किताबों के चक्कर में, मेरे दोस्तों को आनी शुरू हो गई थी, मेरे को थोड़ी जेलसी महसूस हो रही थी कि अब आएगी, पर आ ही नहीं थी यार। फिर फाइनली आई, और इतना अच्छा लगता है ना बुक्स को, ये बुक्स को देख के मतलब ये अलग ही लेवल की खुशी होती है कि बुक्स आ रही हैं। अब काट के भी ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग रिबन ही काटते हैं। हाँ हाँ, बुक्स भी वेल पैक्ड हैं भाई साहब, मतलब क्या बात है। हाँ ये देखो, पहली अपनी आई है बिजनेस रिसर्च की किताब, अच्छी खासी मोटी किताब है, बहुत पढ़ना पड़ेगा। अगली किताब, अरे पर किताब का साइज देखो, एक मिनट, किताब कौन सी है तो मैं बताता हूँ। यह है स्टैटिस्टिक्स फॉर बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। साइज देखो इसका, इसमें पन्ने भी बहुत ज़्यादा होंगे। रुको मैं इसका ना, ये तो मैं पन्ने, इसके तो पन्ने देखने में मेरे इंटरेस्टेड हूँ मैं। बाप रे, मुझे लग रहा है कि संडे को मुझे लगता है सोना छोड़ देना होगा एक्स्ट्रा। ये है 1100 पन्ने की, 1100 पेजेस की किताब स्टैट्स की। ये बिजनेस तक तो ठीक है। अगली हमारी आ गई मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। ये सब्जेक्ट अब मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। इसके बाद आई है अपनी, ठीक है, ये आई है अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, अकाउंट्स की पढ़ाई। उसके बाद किताब आई है अपनी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कि किस तरह हमें, इससे मुझे बहुत सीख मिलती है। एक सीख थी कि अगर आपके किसी के साथ मनमुटाव आ जाते हैं ना, तो आप उसे उसी वक्त कन्फ्रंट करके उसे बता दीजिए अलग से जाके कि भाई ऐसे ऐसे है, मुझे तेरी ये बात अच्छी नहीं लगी एंड आगे से ना दोहराई है ऐसा कुछ। पर अगर आप उसे ये ना करके, ठीक है जी, किसी मीटिंग में या कहीं पर बार बार ऐसे पिंच करते हो, तो वो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर नहीं माना जाता। तो ये एक अच्छी चीज़ मुझे सीखने को मिली। मैंने कहा चलो बता देते हैं, कन्फ्रंट करना ज़्यादा सही रहता है। उसके बाद हमारी आ गई है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की किताब। वाह 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 वाह, क्या किताब है, सब एकदम मोटी मोटी किताब में है। अब तो लगता दिल से पढ़ना पड़ेगा ये, मुझे तो हर सेमेस्टर की किताबें आएंगी। एंड फाइनली एथिक्स एंड द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, मतलब बुक्स को देख के ही अलग खुशी हो जाती है बंदे को। मतलब काफ़ी मन से था कि बुक्स आए। एंड देख लो, ऐसे ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लो, ऐसे नहीं कि आपको कोई ऑनलाइन वीडियो भेज रहे हैं। जब तक हमें नहीं आई थी, हमें भी वीडियो वगैरह मिली थी, लेकिन हमें बुक्स आई और मुझे तो बहुत खुशी है भाई ऐसे कॉलेज में अपना एडमिशन हुआ है। मतलब ऐसे कॉलेजेस हों तो और क्या चाहिए बंदे को, है कि नहीं। अपार्ट फ्रॉम बुक्स, क्या है कि अब मैं जो बात बताने वाला हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो लोग जाने जो कभी कभी ऐसी दर फट के मेरा ब्लॉग देखने आ जाते हैं। मैं चाहता था ये वही लोग देखेंगे जो रोज़ फुल मेरी वीडियो देखते हैं। रीज़न बीइंग, क्योंकि ये थोड़ी पर्सनल बात है, हल्की सी पर्सनल बात है, मुझे नहीं पता कि ये, क्योंकि आज एक्चुअली डेथ एनिवर्सरी है मेरे दादू की, एंड इसके लिए मैं सुबह जल्दी उठ गया था एंड पैकेट्स तैयार किए जाते थे कि हम कुछ गरीबों को दे दें, एंड पंडित जी को दे के आते हैं सुबह, एंड काफ़ी कुछ खाने को, कुछ फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स आटा वगैरह एंड थोड़े पैसे। तो ये बात ये सुबह की है, सुबह 7 बजे से भी उठ गया था मैं लेट सोने के बावजूद, तो क्योंकि मेरे हर साल ये जो क्रिया है मेरे फादर करते हैं, पर अभी मेरे फादर का आपको पता है कि ऑपरेशन है, वो इतना ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते हैं, एंड इसलिए आज ये जो सारी क्रिया है ये मैंने की। एंड या गुड,
बस ये मतलब ये बात मेरे को पता नहीं कि मेरे को बतानी चाहिए थी कि नहीं, इसलिए मैंने एंड में बताया, क्योंकि सारे लोग एंड तक नहीं आते. मेरे पास भी एनालिटिक्स हैं, यूट्यूब एनालिटिक्स हैं, उसमें पता चल जाता है कि कितने मिनट की व्यूअरशिप जा रही है, इसलिए मैं ये बात को एंड तक ही रखना चाहता था. एंड या तो अगर आज की आपको वीडियो बढ़िया लगी एंड मेरी बुक्स आ गई तो आइए, इस बार खुशी के दिन है. एंड दादू से मेरी कोई ऐसा कुछ खास तो बात नहीं हुई, पर हाँ एक बात है, मतलब पापा बताते थे कि ऑब्वियसली कहते हैं कि मूल से ज़्यादा इंसान को सूद प्यारा होता है, तो पापा बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं 6 महीने का ही था, मैं नहीं पास हुए. एंड तो मतलब बहुत प्यार से ऐसे खिलाते थे, बहुत खुश थे जब मैं पैदा हुआ था. एंड या दैट्स इट. ठीक है जी, तो वीडियो पसंद आई आज की तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना. ठीक है जी, नमस्ते.